ऐसी फिल्म है जो एक बंकर के अंदर ही पूरी शूट हुई है, एंड 95% फिल्म बंकर के अंदर ही शुरू होकर बंकर के अंदर ही ख़त्म होती है। और इसमें सोल्जर का एक सॉफ्ट साइड, एक उसका मेंटल अंदर, सोल्जर के अंदर दिमाग में क्या चल रहा है ये दिखाया गया है। जिस तरह एक बंकर है जो बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखता है, बट अंदर उसके क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता। सेम एज एक सोल्जर का माइंड बाहर, एक वो बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखता है, बस उसके माइंड में क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता। तो इट्स जस्ट लाइक अ मेटाफर कि फिल्म का, तो फिल्म में ये दिखाया गया है। फिल्म में आपका क्या रोल है? मेरा फिल्म में रोल है लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह का। वो उस बंकर, जो बंकर है वो पुंछ कश्मीर में है, वहाँ पे उनकी पोस्टिंग है। किस तरह घायल होने के बाद वो उस बंकर को अपने कंट्रोल में रखते हैं और दुश्मन के हाथ नहीं आने देते हैं, इस पे हमारी फिल्म है। नाम है स्वरा, लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह के का रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल बारे में मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, प्लीज़ गो एंड वॉच द फिल्म। हाँ जी सर, मैं डायरेक्टर हूँ फिल्म का, तो मैंने फिल्म बनाया है, तो एक छोटा सा रोल मेरा सबको साथ में रखने का। ये फिल्म है एक सोल्जर का माइंड के ऊपर। बंकर जो है वो एक मेटाफर है, एक सोल्जर और एक सोल्जर का जो फैमिली होती है उनके माइंड के अंदर क्या क्या चलता है उसके ऊपर। तो जैसे हमारा माइंड बाहर से एकदम स्ट्रांग दिखता रहेगा पर अंदर क्या चल रहा है पता नहीं, वैसे ही एक बंकर भी बाहर से स्ट्रांग दिखता है पर उसके अंदर क्या चल रहा है नोबडी नोस, तो उसके ऊपर बेस्ड है। सर हमने प्रॉब्लम में ही शूट किया है, मतलब शूटिंग के टाइम प्रॉब्लम नहीं हुआ था, प्रॉब्लम्स ही था उसमें शूट हो गई थी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल 5 दिन में हमने फिल्म शूट किया है कंप्लीट, और एक 12x8 फीट का बंकर के अंदर ही शूट किया है पूरा। तो और तीसरी बात, आर्टिस्ट को ऑलमोस्ट 95% 5 दिन का शूट में 4 दिन के आसपास उसके आँखों में प्रोस्थेटिक्स थी तो वो देख नहीं पा रहा था, तो 8-8 घंटे के लिए उसको विदाउट विजन उसको शूट करना पड़ रहा था। एंड बीच में एक दिन बारिश भी आ गई थी तो 3-4 घंटा वहाँ पर भी वेस्ट हुआ था। एंड इनका किरदार भी उतना ही डिफ़िकल्ट है एज अ सोल्जर, बिकॉज ये भी एक सोल्जर ही है बस यूनिफॉर्म नहीं पहन रही है। और इनका चैलेंज ये था कि जो प्रॉब्लम्स था वो बोल नहीं सकती है, उसको सिर्फ एक्सप्रेस करना है, और वो इन्होंने इतना अच्छा कर दिया है कि हम सब बहुत खुश हैं उनसे। ये फिल्म यही दिखा रही है कि जैसे सोल्जर को हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग तो है ही, वही दिखाते हैं, वही साइड दिखाते हैं क्योंकि वो प्रोटेक्ट करती है हमारे कंट्री को, इस कंट्री को। बट यहाँ पे दिखाया गया है कि वो सोल्जर स्ट्रांग होते हुए भी अंदर जो चल रहा है, जो मेंटल ट्रॉमा है, वो दिखा नहीं सकते क्योंकि वो तो है ही स्ट्रांग। सबको लगता है कि अरे सोल्जर है वो कैसे बताएगा, या उसको खुद को भी लगता होगा। तो ये दिखाया कि वो बताना चाहिए या फिर उसके अंदर भी वीकनेसेस हैं, यही दिखाया है इस फिल्म में। लेकिन सफर हमें प्रमोट एंड नॉट वॉर।